Looks like the spat between Kangana Ranaut and Diljit Dosanjh is not ending anytime soon. Kangana Ranaut has once again hit out at the singer and actor, and this time the actress took a jibe at his holiday pictures. While Diljit had shared a series of photos posing in a bright orange jacket enjoying the show at an undisclosed location, Kangana commented on the same, "Wah brother! किसानों को सड़क पे बैठा के लोकल क्रांतिकारी विदेश में ठंड का मजा ले रहे हैं। वाह, इसको कहते हैं लोकल क्रांति। Later, Diljit Dosanjh took to his Twitter and responded to Kangana Ranaut. Diljit tweeted, "You are living with such misconceptions about yourself. Don't think Punjabis have forgotten about what you have done. We will have our answers from you soon." He added, "I don't understand what her problem with farmers is. I was with Punjab and will always be." To which Kangana quickly replied, "वक्त बताएगा दोस्त कौन किसानों के हक के लिए लड़ा और कौन उनके खिलाफ। सौ झूठ एक सच को नहीं छुपा सकते। और जिसको सच्चे दिल से चाहो वो तुम्हें कभी नफरत नहीं कर सकता। तुझे क्या लगता है तेरे कहने से पंजाब मेरे खिलाफ हो जाएगा? हा हा, इतने बड़े बड़े सपने मत देख, तेरा दिल टूटेगा। वेल, बैक इन द ईयर 2020, Kangana Ranaut एंड Diljit Dosanjh got engaged in a heated war of words on Twitter as the duo voiced their opinion about the farmers' protest in the country. Kangana also took a jibe at Urmila Matondkar recently, as the actress turned politician purchased a property reportedly worth rupees 3 crore in Mumbai. Responding to Kangana's comments, Urmila posted a video wherein she asked the Manikarnika actress to meet her so that she could show her the papers proving she had bought the property with her own hard-earned money after having worked for nearly 25 to 30 years in the film industry. Namaskar Kangana ji. मेरे बारे में जो आपके उच्च ख्याल है वो मैं सुन चुकी हूँ, बल्कि पूरा देश सुन चुका है। आज पूरे देश के सामने मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जगह और वक्त का चयन आप कीजिए, मैं मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां जरूर पहुंचूंगी। इन डॉक्यूमेंट्स में 2011 में अपनी ज्यादा बड़ी नहीं बट 25-30 बरस की करियर में कड़ी मेहनत के बाद जो फ्लैट मैंने अंधेरी में खरीदा था उसके पेपर्स होंगे, जिसको मैंने मार्च के पहले हफ्ते में बेचा है उसके भी पेपर्स होंगे, और उनके उन पैसों के अगेंस्ट जो मैंने ऑफिस अपने कड़ी मेहनत के पैसों से खरीदा है उसके भी पेपर्स होंगे। ये सारा जो मेरे फ्लैट का बाइंग था वो मेरे राजनीति के आने से कई बरस पहले का ट्रांजैक्शन था, ये मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहती हूँ। बदले में मैं बस इतनी छोटी सी चीज़ चाहती हूँ कि हम जैसे कई लाखों करोड़ों टैक्स पेयर के पैसे के बदले में आपको आपकी सरकार ने जो वाई प्लस सिक्योरिटी दी है, क्योंकि आपने उन्हें ये वादा किया था कि आपके पास कई ऐसे लोगों के नाम हैं जो आप एनसीबी को देना चाहते हैं, जिसका इंतज़ार आज पूरा देश कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं हमारा देश कितनी मुश्किल हालातों से गुजर रहा है और ड्रग्स का सामना हम सबको मिलकर करना है। तो वो जो एनसीबी की लिस्ट है, बस मैं इतना ही चाहती हूँ, आप बस वो छोटी सी लिस्ट लेकर आइए, तो आपका जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र और गणपति बाप्पा मोरिया।